सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंगल्फिंग कैंडल स्कैनर के बारे में, कि आपको इसको कैसे अपने चार्टिंग पे बनाना है या फिर आपको रेडीमेड चाहिए, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, इसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है इन्वेस्टिंग के लिए, डेली टाइम फ्रेम के लिए, और टाइम फ्रेम चेंज करके आप इसको इंट्राडे में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन का स्कैनर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। कोई भी इसमें इंडिकेटर नहीं है, सिंपली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बेसिस पे इसको मैंने चार्टिंग के ऊपर बनाया हुआ है। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों के पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको सारा ब्रोकर का वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के इजीली डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और सबसे बेस्ट किसी ब्रोकर का आप नाम बताओ कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर, जो कि जीरो ब्रोकरेज में आपको बहुत अच्छा इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट देगा और ब्रोकरेज आपको मतलब ना के बराबर ही लेगा, तो वो अभी पेटीएम मनी चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी फ्री है, तो आप पेटीएम मनी के अंदर अकाउंट खोल सकते हो। चलो गाइस, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि इंगल्फिंग कैंडल होता क्या है। तो इंगल्फिंग कैंडल बेसिकली दो तरीके का होता है, एक बुलिश होता है, बुलिश, और एक बियरिश होता है। तो बुलिश का मतलब कि प्राइस वहाँ से चेंज करेगा अपने डायरेक्शन को और प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा। बियरिश का मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा था, अब वो वहाँ से नीचे आएगा। तो सबसे पहले हम बुलिश का देखते हैं। तो बुलिश में आपको एक पहले एक रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है। इसके बाद रेड कैंडल दिखने के बाद आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल देखा, जो कि इसके हाई के ऊपर जाएगा और लो के नीचे भी आएगा। मतलब इसका लो के नीचे ही आ जाएगा और हाई के ऊपर जा करके क्लोजिंग आएगा या हाई को ही क्रॉस कर देगा। तो इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं और ये आपको चार्ट के ऊपर सबसे लोएस्ट पॉइंट में मिलेगा। यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होना ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 80% जाकर के बोल सकते हो कि एक्यूरेसी आ जाता है। 80% ऑफ टाइम यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा अपवर्ड के साइड में। ये हो गया आपका यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग हो गया। उसके बाद हम लोग बियरिश इंगल्फिंग का बात करते हैं। तो बियरिश इंगल्फिंग में प्राइस जो था, प्राइस टॉप के ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक पहले ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे जाकर के एक रेड कैंडल बन गया। तो रेड कैंडल क्या बनेगा, इसके हाई और लो के नीचे जाएगा। तो हाई को भी, ये लो को क्रॉस करके नीचे आया है और हाई को क्रॉस करके ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस अब यहाँ से नीचे आने का चांसेस हो जाएगा। 80% टाइम यहाँ भी होता है। मैं इसमें सबसे एक्यूरेसी किस चीज़ को मानता हूँ, जो आपको सेलिंग के साइड में मिलेगा ना, वो आपको 80% से भी ज़्यादा समटाइम बहुत अच्छा ये काम करता है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज प्राइस एक्शन का होना चाहिए और कहाँ पे आपको टारगेट और बुक करना है। इन सभी चीज़ों के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा है, तो आप आई बटन पर चेक कर लो, वहाँ पर जाकर के आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। तो गाइस, चलो अभी वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अभी चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि मैंने चार्टिंग का वेबसाइट खोल रखा है। मैंने चार्टिंग पे ही इसको कोड करा है, चार्टिंग पे ही कुछ कुछ पैरामीटर सेट करके मैंने इसको बनाया। तो फर्स्ट पैरामीटर का अगर आप बात करूँ तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखो, जो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक आपको जो स्टॉक है वो किस सेगमेंट में चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप फ्यूचर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। बैंक में चाहिए, कैश में चाहिए, बैंक निफ्टी में चाहिए, ETFs में चाहिए, निफ्टी 100 में चाहिए, 200, 500, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैंने भी इसको फ्यूचर कर रखा है, क्योंकि फ्यूचर का जो स्टॉक है उसका अच्छा खासा उसको ऊपर जाने का चांसेस होता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो आपको दिया है कि वन डे हाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन डे हाई, मतलब जो प्रीवियस डे का जो हाई है उसके हाई के ऊपर होना चाहिए और जो प्रीवियस डे का लो है उसके लो के नीचे एक लो होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे सेट हो गया। तो ये दोनों कंडीशन मेन, ये दोनों कंडीशन ही है। और जो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, आप इसको टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। वन डे के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम फ्रेम आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ चेंज करने के बाद यहाँ भी चेंज करना होगा, देन यहाँ और यहाँ, सारे जगह आपको उसको टाइम फ्रेम को चेंज करना रहे। याद रहे कि अगर आप कहीं पे वन डे का ले रहे हो तो कहीं और पे 15 मिनट का या 5 मिनट का नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर इशू आएगा और एरर आएगा और एग्जैक्ट आपको स्टॉक फिल्ट करके ये स्कैनर नहीं देगा। फिर लास्ट का देखो, लास्ट का जो टू कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन मैंने अपने अकॉर्डिंग लगा रखा है कि वन डे का जो क्लोज है वो 100 रुपये से ऊपर का स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये करके रखा है, और 4000 से नीचे का स्टॉक होना चाहिए। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस रेंज एक सेट कर लो कि आपको कितने से कितने रुपये के बीच में आपको स्टॉक चाहिए, जो कि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। सो बेसिकली ये जो स्कैनर बना हुआ है, ये इंगल्फिंग कैंडल स्कैनर है। मतलब क्या कि इंगल्फिंग क्या होता है, एक मान लो एक रेड कैंडल बना और दूसरा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया, इसको हम लोग ग्रीन और इसको रेड मानते हैं। तो ये इंगल्फिंग की, जो लास्ट डे का जो स्टॉक था उसके नीचे जाकर के प्राइस नीचे भी गया है और उसके हाई को क्रॉस, मतलब हाई को क्रॉस कर चुका है। तो इंगल्फिंग सबसे पावरफुल, अगर आप स्टॉक किसी भी चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हो फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करते हो, तो सबसे पावरफुल मैं इंगल्फिंग को मानता हूँ, क्योंकि मैं इसको इंट्राडे में इन्वेस्टिंग के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है चार्ट के ऊपर। तो मैंने आपको ये बता दिया। अभी मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि क्या ये सच में स्कैन कर रहा है कि नहीं। देन आपको इस स्कैनर को सेव करने के लिए आपको सेव एज पे करना पड़ेगा, या फिर आप सेव भी कर सकते हो, सेव स्कैन भी कर सकते हो या फिर सेव एज भी कर सकते हो। सेव एज में आपको नाम चेंज कर सकते हो, सेव स्कैन में एज इट इज ये स्कैन यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको रन स्कैन पे क्लिक करना है।
देन जैसे ही आप रन स्कैन पर क्लिक करोगे नीचे देखो यहाँ पे नीचे सारा स्टॉक जो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो सारा कुछ स्टॉक यहाँ पे आ गया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ है चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर भी नो चलते और बैंक ऑफ बड़ौदा ढूंढते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा का आ गया, हम लोग इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आज के दिन का ये मार्केट को बंद होने के बाद आपको इसको रन करना है, मार्केट जब चल रहा होगा तो समय आपको रन नहीं करना है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं। देखो जो लास्ट डे का जो कैंडल था, कैंडल के हाई के ऊपर ही जाकर के यहाँ पे देखो ये हाई के ऊपर जाकर क्लोज दिया और लो के नीचे भी आज आया था बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग अब इसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है, सेम बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिला और यहाँ पे मैं इसको पर्सनली जाकर के बाई करूँगा क्योंकि ये समवेयर सपोर्ट के एरिया के आसपास मिल रहा है यहाँ पे देखो। सो इसका जो ये एरिया है ये एक समवेयर एक सपोर्ट एरिया है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट। तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि प्राइस यहाँ से 168-172 के आसपास जाए प्राइस, क्योंकि ये इसका रिसेंट स्विंग है और यहाँ पे अगर जाने के बाद होल्ड करता है थोड़ा नीचे करके अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, तो मैं इसको पर्सनली ट्रेड करूँगा। तो गाइज इस वीडियो में यही था, मैं आपको टोटली ये स्कैनर के बारे में बताना था मेरे को कि ये स्कैनर है क्या और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इस तरीके से जाकर के आप चार्ट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।